नमस्कार, डेडलाइन न्यूज में आपका स्वागत है। महेंद्र सिंह धोनी ने आखिर बता ही दिया कि क्यों उन्होंने एकाएक कप्तानी छोड़ दी थी। जी, आपको बता दें कि जब महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी छोड़ी थी तो सभी सदमे में थे, क्योंकि धोनी उस समय टीम को वर्ल्ड कप जिता चुके थे, टेस्ट में नंबर वन बना चुके थे। ऐसे में टेस्ट में भी जब उन्होंने एकाएक रिटायरमेंट ली तो सभी सदमे में थे। इस सब चीजों का खुलासा करते हुए धोनी ने कहा कि उन्होंने वनडे और टी20 से इसलिए कप्तानी छोड़ दी ताकि 2019 वर्ल्ड कप के लिए विराट कोहली को मौका मिल सके अपनी एक अच्छी टीम तैयार करने का, और ये मेरा फैसला बिल्कुल सही था क्योंकि नए कप्तान को थोड़ा समय मिलना चाहिए ताकि वो टीम को सेट कर सके। और विराट कोहली का जो ये 3 साल का समय मिला, इसमें कहीं ना कहीं उन्होंने टीम को सेट कर लिया है और अपने खिलाड़ियों को पहचान लिया है। तो धोनी के इस खुलासे के बाद हम और भी धोनी के प्रशंसक बन जाएंगे, क्योंकि धोनी ने टीम की इंडिया के लिए नहीं बल्कि देश के लिए छोड़ी थी कप्तानी। तो कमेंट बॉक्स में लव यू MSG लिखना बिल्कुल ना भूलें।